दिल्ली आया था कारोबार करने के लिए, छोटा केमिकल का टैंक केमिकल का आदमी था, सब कर रखा है। उसके बाद 2 साल उसको आप सही है, ऐसा नहीं है जैसे गवर्नमेंट का पैसा पूरा है, अच्छी आदत है, कवर करने का सोना है, एक जगह पे एक जगह पूरे कौन सोना बना देते हैं। I think if you really look at plastic, it's just everywhere. It's in the rim of the spectacle that you're wearing, it's in the pen that you write with, it's in the mobile phones that you use, it's in the laminate furniture that you sit on. So I think plastic has infiltrated our lives enormously. My name is Vijay. जिला बिजनौर यूपी से रहने वाला हूँ मैं। 12 साल की उम्र में आया था सर, और कबाड़िया काम करता हूँ जब से, सफदरजंग के एरिया में। ये जो गंदगी है, पता नहीं किसके घर से क्या चीज़ आ रही है और किसके घर से नहीं क्या चीज़ आ रही है। वो आदमी सांस लेता, सांस के राह चढ़ जाती है उसके, वो बीमार पड़ जाता है। इलाज कराने के लिए भी उसके पास इतना बजट नहीं है कि वो अपना इलाज करा ले। कोई किडनी का प्रॉब्लम हो जाता है, कोई हार्ट का प्रॉब्लम हो जाता है। मगर यह है कि अपनी जो काम करता है वो काफ़ी आदमी यहाँ से ख़त्म हो चुके हैं इसी प्रॉब्लम से। सर मेहनत करना तो हमारा काम है, मेहनत ना करेंगे तो खाना खा सकाएंगे। The backbone of recycling in India is actually the informal sector. In Delhi alone, we have more than 150,000 people who are just informally working in waste. They are almost invisible for us because they are doing a menial task which none of us are ready to do. All the paper, the plastic, the food waste, the sanitary napkins, the diapers, biomedical waste, broken injections. It's the waste picker who comes and picks this up, and he's the one who's going to put his hand into all the soiled napkins and the sharps and injections and electronic waste, batteries which could burst in your face. All of this is being handled by a man with his bare hands. यहाँ पे दिन में हम आते हैं कोई 12 और 1 के बीच में, उसके बाद यही छटाई करते हैं सर। इन्हीं प्लास्टिक फाइल अलग, और जी रद्दी पेपर, ये सारे अलग अलग करते हैं हम। गुड्डी अलग करो, बोतलें अलग करो, फाइल अलग करो, पेपर अलग करो, कंच अलग करो। ये हम इसलिए अलग करते हैं क्योंकि हम जिसको देते हैं वे अलग अलग ही अपना माल दूसरी जगह भेजते हैं। दिल्ली आया था कारोबार करने के लिए, छोटा मजदूर आदमी हैं, अपना गुजारा करते हैं।
जीवन पालन करने के लिए आया दिल्ली। ये तो कस्टमर आते हैं घर घर से लाते हैं अपने अपने और बेचते हैं, हम बेच देते हैं, डेली लेते हैं, डेली बेचते हैं। ये हम 90 से कर रहे हैं जी, लेकिन 90 से पहले से कर रहे हैं। हाँ, हमारे बुजुर्ग भी यही काम करते थे, कलश प्लास्टिक का ही करते थे। वो ज्वालापुरी में करते थे जी, ज्वालापुरी पश्चिम बिहार, वहाँ से फायर हो गया था तब वो आग लग गया था, तब यहाँ पे गवर्नमेंट ने खुले में यहाँ पे हमने हमारे को उन्होंने शिफ्ट किया। जैसे हमारा पेट बोतल का काम है, मिनिमम जो पेट बोतल होती है, पेप्सी कोक की सोडा की यही बोतल होती हैं, जैसे कि लोग पानी पी के रोड पे फेंक देते हैं, वहाँ पे जो चुगने वाला जो होता है वो चुग के वो और बड़े कबाड़ी को देता है, वो लोग हमारे पास में देता है। ये माल छाटते हैं, इसका कलर बनाते हैं, इसका अलग अलग लगाते हैं बोरा, तो अलग अलग कलर बनाते हैं। ऐसे ही एक दूसरे को देख कर सीखा। हम तो सफाई कर रहे हैं ना जी, हमने आपको बताया, हम छोटे कबाड़ियों से लेके उनसे बड़ा आते हैं, फिर हमारे पास में आता है, फिर हम इसको साफ करके हम डिस्पेस करते हैं बाहर, दिल्ली से भेजते हैं, उसका फिर वो वॉश करके इसका और फिर रिसाइकल करके, और हमारे जैसे कपड़े बन रहे हैं, कंबल बनते हैं, दरियाँ बनती हैं, सब इसका यूज हो रहा है इसका। इस स्वास्थ्य भी है ये सब, ऐसा तो नहीं है कि हम लोग कचरा फैला रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। स्पेशली इन दी अर्बन सेंटर्स, but also not only in the urban centers, in other places as well, there's a fast change in the kinds of materials, kinds of packaging which are being sold and which people are using. Almost 50% to 70% of the total plastic production in India is single-use plastic. That means it turns into packaging. And we produce about 15 million tons of plastics every year. But a lot of that goes directly into waste. Some of it goes into landfill, but a lot of it also goes into some kind of recycling, which generally recycling should be a good thing, but the recycling here could be quite problematic as well. The best way to understand how plastic is recycled in India is to go to a recycling unit, what's it called, a recycling factory, and they are strewn across the big cities, also in smaller places. The point is that these units survive at very low cost. Whole cost structure is very small. That means if they invest in better machines and meet better environmental standards, they cannot afford to do it. But even if we talk about the 9,000 tons per day which is collected and processed, I think one big question that we all need to ask is that how green is the recycling sector? Putting the point that 95% of these processing units are informal in nature, so they cause a lot of water pollution, they cause a lot of air pollution, and of course there's also a health impact for the workers who are working in these factories which are not regulated. कबाड़े काम 10 साल हो गए आज करते हुए मेरे को, 10 साल से कबाड़े काम में कर रहा हूँ। प्लास्टिक लेते हैं, उसको कटिंग करते हैं, धुलाई करते हैं, और उसके बाद दाना बना के मार्केट में सप्लाई करते हैं। इस लाइन को इसलिए चूज किया क्योंकि एक तो देश में प्रदूषण समाप्त होएगा और जॉब भी मिलेगा, पैसे भी कमाएंगे इस लाइन के अंदर हम, इसीलिए
कई फायदे हैं इस लाइन के, देश को सुरक्षित मतलब साफ सफाई रहेगी, देश के अंदर प्रदूषण नहीं होगा इसके अंदर, इसीलिए मैंने इस लाइन को चूज़ किया और इसे पैसे भी कमाते हैं इसके लाइन के अंदर। So we talk a lot about recycling, but I think we really have to understand that waste management is not recycling an infinite number of times. Waste management is also waste reduction. We have to reduce the waste that we have. We have to reduce our consumption patterns, because the more the economy booms, you are happy to buy 2 cell phones, 3 cell phones, you're happy to buy 10 pairs of shoes. You cannot recycle all of it. Despite all the legislations, all the laws, all the good consumer behavior, less than 9% is being recycled. Simultaneously, new investments, almost $200 billion of investment will happen in the next 20 years because of shale oil and fracking oil into new plastic production. But the fact is, we have no policy to support and make recycling a bankable project. So if you want the recycling and collection to improve, somebody has to pay for it. Right now, I, the consumer, pay nothing for recycling. The company which sells me the product pays nothing for the recycling. So at the once the product is sold, all the cost is borne by the informal sector or by the low-end market and by the pollution and environmental cost. And this is the main problem why recycling is in such a pathetic condition and why the workers' health is suffering the most. खूब लगता है कि हम प्रदूषण ही कम कर रहे हैं। अगर ये कूड़ा घर में जमा होएगा किसी के भी घर में, तो वहाँ पे बदबू फैलती है और हम उस बदबू को लेके आते हैं, उसको कूड़े में मतलब डस्टबिन में ट्रांसफ़र करते हैं, वहाँ से वो दूसरी जगह जाके ट्रांसफ़र होता है, वहाँ आगे जाके वो कुछ और बनाते हैं, उसका खाद बनाते हैं, बिजली बनती है, सभी काम होते हैं उससे। इवन द सुप्रीम कोर्ट सेड सो मच वेस्ट आउटसाइड आवर होम्स एंड द फर्स्ट gut reaction of any municipality, guided by the international consultants who sell technology, saying we'll give you a machine which will fix the problem. And mostly, what is a machine? It's a fancy burner, what they call controlled burning. Now, this is what is another name for incineration. It's just a misnomer for a very expensive machine to do a job which should not be done by those machines in the first place. From the incineration, you get ashes, and these ashes are dumped on a garbage site, and they're extremely toxic because you have not, all the toxic things that were there in your waste has now gone to your ash. Why is our government so bent on using a waste to energy plant? We should be focusing on people. We should be focusing on recyclability, on sustainable choices, on decentralized. So I would think all of this is already there in our rules and policies. Why do we go against our rules and policies? There have been an extremely
well-read academics and non-profits and bureaucrats who've made the rules. All it requires is implementation. This is not just plastic. This is a symbol of the basic problem of sustainability and climate change we are in today. हाँ इसमें अच्छा कमाई है मगर मैं अपने बच्चों को नहीं लगाऊंगा इस काम में मैं अपने बच्चों को पढ़ा रहा हूँ मेरे बच्चे पढ़ेंगे अच्छी वो नौकरी करेंगे पढ़ने के बाद अरे अब तो यही काम है उसके बाद में क्या करेंगे उम्र पक गई ज़्यादा उम्र हो गई क्या ये काम तो ही चेंज किया जाएगा प्लास्टिक आएगी छटेगी जाएगी जब ये इतने दुनिया खारी कमा रही है अगर बंद हो जाएगी तो कितने बच्चे परेशान होंगे कितने दुनिया है जो भूखी मरेगी गंदा तो है मगर हमारे लिए तो ये अच्छा ही है हम कर रहे हैं हमें आदत पड़ गई इसी का मजबूरी है हमारी ये काम देखो हमें तो बहुत अच्छा लगता है गंदे काम से हमें अपना इज्जत बचाने चाहो तो ये काम अच्छा लगता है अब क्या सोचूं पढ़ने भी तो नहीं आते जो हम सोचे